वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की जॉब की अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ इसरो में। तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी निकली हुई है, ऑल इंडिया लेवल की नौकरी है। आप इसे किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कोई सा भी स्टेट हो भारत का, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूँ, लड़कियों के लिए इस जॉब का फॉर्म फिल होने में कोई भी चार्जेस नहीं होगा, तो लड़कियां इसका फॉर्म जरूर फिल करें अगर वो एलिजिबल है तो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये नहीं कि आपको 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो बनाकर दे दूं। मेरा मकसद आपको 10 या 20 वीडियो एक दिन में नहीं देना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। तो बढ़ते हैं फुल डिटेल्स की ओर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करूंगा, तो 30 अप्रैल 2018 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है आज ही ओपन हुआ है, 10 तारीख को आज से स्टार्ट हुए हैं इसके फॉर्म। लोकेशन ऑल इंडिया में आपकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने कुछ जो है स्टेट दे रखे हैं, मोस्टली वहीं पर आपके चांसेस है। और फी स्ट्रक्चर जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस है, तो जनरल और ओबीसी के लिए भी अच्छा मौका है, उनके लिए बस कम फीस रखी है यहाँ पर। एससी एसटी और ऑल वुमेन यानी जितनी भी वुमेन है, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फी नहीं है, फ्री ऑफ फॉर्म है। और बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट 30/4/2018 तक आपकी एज जो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो है यहाँ पर पोस्टें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट 171 पोस्ट है, अच्छी बात है। सैलरी 25,000 से ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही है, ये भी अच्छी बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको ये नहीं पता होगा तो। यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन होना है आपको आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या फिर मैनेजमेंट में या फिर साइंस में या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में विथ फर्स्ट क्लास। आपको बता दूँ, अगर आपका जो है 55% से नीचे मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को मत फिल करना, अगर आपके 55 से ऊपर मार्क्स है तो ही आप इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और बाकी जिन्होंने ये नहीं किया हुआ उनको डिप्लोमा इन कमर्शियल या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विद फर्स्ट क्लास विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनो या फिर टाइपिस्ट और या फिर स्टेनोग्राफर, यानी एक्सपीरियंस जो है आपका स्टेनोटाइपिस्ट या फिर स्टेनोग्राफर। मुझे पता है मोस्टली यहाँ पर कैंडिडेट इस बेस पर अप्लाई करेंगे, तो जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उनको मैं बता दूंगा आगे क्या प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर जो है एक क्राइटेरिया और इन्होंने कंपलसरी रखा हुआ है, यहाँ पर जो है मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की रखी हुई है इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, तो ये आप देख लेना। उसके साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है कंप्यूटर सीख लेंगे अच्छे तरीके से, यानी एक होता है आपका एक्सेल, एक्सेल में अगर आप वीबीए या मैक्रो सीख लेंगे तो फ्यूचर में आपका बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप कोशिश करें कि एक्सेल में आप जो है एक्सपर्ट हो जाए, उसके फॉर्मूलाज जो है आपको अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के पास वीबीए एक्सेल की नॉलेज है, वीबीए या मैक्रो की नॉलेज है, उनका फ्यूचर मैं कह रहा हूँ ब्राइट है एकदम। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भी बताऊंगा कि फॉर्म आपको किस तरीके से जो है मिलेगा, कहाँ से लिंक मिलेगा। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ पहले, तो ये इसका नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। बाकी जो है मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये जो है मैंने आपको बता दिया कि जोन है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग के चांसेस हैं और किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, किस जो है यहाँ पर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, आप ये देख लेना एक बार अच्छे से। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद जो है मैंने आपको कुल पोस्ट तो बता ही दी है, और उसके बाद ये क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी आयु सीमा भी बता दिया, एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का दिया हुआ है, और बाकी आवेदन की विधि आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद जो है नीचे वाले पार्ट पे चले हम, तो आवेदन शुल्क भी मैंने आपको बता दिया यानी एप्लीकेशन फ़ी, और ये जो है आपको क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ना है, मैंने पेमेंट भी बता दिया आपको किस तरीके से करनी है। और कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। और अभी आपको फॉर्म दिखाता हूँ मैं, वेट करें थोड़ा आप। और ये जो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन इन्होंने जो है गिवन है। चलो चलते हैं फॉर्म की ओर। तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पहला ही लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप
जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है, यानी इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं जो है पर्सनल असिस्टेंट वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड करने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अटैच होंगे आपको, तो फिर जो है आप नेक्स्ट स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे, फिर आपको आगे प्रोसीड करने के लिए बोलेगा। ऐसे ही आपका स्टेनोग्राफर वाला पार्ट ओपन हो जाएगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जो है फ़ी का, जिन्हें रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जिन्हें फ़ी एग्जाम की गई है, तो वो जो है यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स से मेंशन करना, और ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है वीडियो की, ये आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको शेयर कर देना। सो कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स से मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स दूर कर सकूँ। धन्यवाद।